तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब 2023 में एक्शन मूवीज की कोई कमी रही नहीं है। पठान, फिर जवान, देन गदर 2, देन भोला, देन दशहरा, देन जेलर, देन टाइगर नागेश्वर राव, बहुत सी ऐसी मूवीज आई हैं। लाइक अभी जो अभी भी चल रही है लियो, भाई इसका जो एक्शन है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का है। मतलब थालापति विजय की जो इस बार हमने पहुंच देखी, जो रीच देखी, खासकर ओवरसीज में तो मतलब सुनामी फूटी है भाई साहब, क्योंकि ओवरसीज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। बाकी लियो मूवी को फर्स्ट डे बहुत बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिला है। मतलब इस साल की नंबर वन ग्रॉसर, इंडियन सिनेमा की नंबर वन ग्रॉसर मूवी बनी, जिसने 140 करोड़ प्लस की कमाई करी है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में, और जबरदस्त रहा है। लेकिन वही चीज़ की साउथ की मूवीज़ को फर्स्ट डे या फिर सेकेंड डे अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन उसके बाद ये कवर अप नहीं कर पाती है वो आंकड़ा। लियो का कॉन्टेंट सॉलिड है, बॉक्स ऑफिस में उतनी ज़्यादा आग नहीं फाड़ पाई, हाइप बहुत ज़्यादा सेट थी। देखो इस टाइम पर आते आते ना लोगों की जेब भी ढीली हो चुकी थी, क्योंकि ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर मूवी आ रही है। जवान के टाइम पर लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब 2 या 3 बार लोग थिएटर में जाकर मूवी देखी है। तो भाई साहब बजट रिकवर करना, बजट मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में और भी सॉलिड सॉलिड कॉन्टेंट है, लाइक एनिमल है, सैम बहादुर है, सालार है, डंकी है। दिसंबर में तो भाई सुनामी तैयार बैठी पड़ी है। उसके बाद टाइगर 3 जो अभी चल रही है, इस पर भी लोगों ने खूब पैसा बहाया है। तो भाई लियो की OTT रिलीज डेट कब आने वाली है, इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। तो मैं आपको बताऊंगा ये मूवी कब रिलीज हो जाएगी OTT प्लेटफॉर्म पर, कहां पर, नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये मूवी कितना कलेक्शन कर चुकी है अभी तक, नेट इंडियन कलेक्शन मान में ग्रॉस वर्ल्ड वाइड और लाइफ टाइम कलेक्शन ये मूवी अभी तक कितना कर चुकी है। मतलब अभी भी रनिंग ये मूवी चल रही है, पर उस हिसाब का बज अभी इसके पास नहीं है, क्योंकि टाइगर 3 ने बहुत ज़्यादा स्पेस कवर अप कर लिया है। दैट्स वाई कि अब लियो उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी में फिलहाल तो नहीं है। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब आपको एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले OTT प्लेटफॉर्म की भाई साहब, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पर चल रहा है, कल से ही ट्रेंड पे चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूमर्स निकाला गया था कि मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर यानी नेटफ्लिक्स पर 16 या फिर 17 नवंबर को यानी आज के डे पर आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आज का पूरा दिन निकल गया, कल का भी पूरा दिन निकल गया, लेकिन जो चीज़ पहले से तय करी जा रही थी कि 45 डेज के बाद थिएटर्स में चलाने के बाद ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करी जाएगी, मतलब नेटफ्लिक्स पर, तो उसके हिसाब से अराउंड 21 नवंबर या फिर 22 नवंबर के आसपास ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट मेकर्स की तरफ से भी दी गई थी। तो भाई साहब देखा जाएगा, फिलहाल अभी के लिए कन्फर्मली तो यही है कि अगर आज भी नहीं आती है एंड ऑफ द डे तक, हो सकता है 11:30-11 बजे ये मूवी निकाल दें, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी है कि नहीं ही आएगी। तो 21 या फिर 22 दिसंबर में एक दिन में हमें डेफिनेटली ये मूवी मिलने वाली है नेटफ्लिक्स पर। मतलब जो लोग थिएटर्स नहीं जा पाए, जो लोग अपना पैसा मेंटेन करने में रख पाए आगे अपने प्लानिंग्स के लिए, तो वो लोग आराम से नेटफ्लिक्स पर इस मूवी का मजा ले सकते हैं। अभी बात करते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने कितनी आँख फाड़ी है, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, जबरदस्त थी। तो लेटेस्ट अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो मेरे पास है, 340 करोड़ नेट इंडियन कलेक्शन में इस मूवी ने कवर अप किया है, और वो जबरदस्त देखने को मिला है। ग्रॉस कलेक्शन लगभग 399 करोड़ आया है इसका, और ऑलमोस्ट ओवरसीज से 200 करोड़ के आसपास इस मूवी ने कवर अप कर लिया है। तो पूरी दुनिया से इस मूवी ने कितना कलेक्शन कराया है, लाइफ टाइम कलेक्शन, तो अपडेटेड ये है 600 करोड़ के आसपास इस मूवी ने कवर अप कर लिया है। मतलब 600 करोड़ की कमाई इस मूवी ने करी है लगभग अपने जो भी रनिंग चल रही है, जो भी लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। तो टोटल बजट इस मूवी का कितना है, 250 करोड़। तो 250 करोड़ को अगर काट लिया जाए तो यहाँ पर 450 करोड़, तो इस मूवी का सिर्फ प्रॉफिट है। तो अच्छी खासी कमाई है, ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है। जो लोकेश कनगराज जो इसके डायरेक्टर हैं, जो सेट करना चाहते थे थालापति विजय को लेकर, वो उन्होंने अचीवमेंट सॉलिड तरीके से ली, और जबरदस्त विक्ट्री कहेंगे हम इनको। तो एक्शन के मामले में इस मूवी ने अलग ही आग फाड़ी थिएटर्स में, और अब नेटफ्लिक्स में भी फाड़ने वाली, मतलब OTT प्लेटफॉर्म पर। तो कितने लोग देख चुके हैं इस मूवी को थिएटर में, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना, और दोबारा से कितने लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी 21 या फिर 22 नवंबर के आसपास। तो जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी आपके पास अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की क्या रिपोर्ट है वो भी बता के जाना, अगर आपके पास कुछ है तो। बाकी ऑफिशियली जो मेरे पास है 600 करोड़ लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक, इतना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।